डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स्थ क्लास का चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से आता है पढ़ेंगे, जिसमें भोजन के बारे में, उसकी प्राप्ति के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, भोजन का महत्व क्या है। फूड इज नीडेड, भोजन की जरूरत होती है by all living beings, सभी जीवित प्राणियों को for following main purposes, नीचे लिखे मुख्य उद्देश्यों के लिए। नंबर वन, इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करता है एनर्जी, ऊर्जा, टू डू वेरियस एक्टिविटीज, टू डू करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग गतिविधियां या कार्य, यह अलग अलग गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इट हेल्प्स, यह मदद करता है इन ग्रोथ, वृद्धि में। नंबर थ्री, इट हेल्प्स, यह मदद करता है टू रिपेयर, मरम्मत करने में, एंड रिप्लेस, और बदलने में, डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के क्षतिग्रस्त भागों को। नंबर फोर, इट प्रोटेक्ट्स, यह बचाता है या रक्षा करता है अस, हमारी, फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से, एंड डिजीजेज, और बीमारियों से। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट फूड, यदि किसी व्यक्ति को भोजन ना मिले, सी ऑब्लिक ही, तो चाहे वह महिला है या पुरुष है, फील्स वीक, कमजोरी महसूस करता है, एंड इज लाइकली टू फॉल इल, और बीमार हो सकता है। सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। नंबर वन, प्लांट्स, पौधे। नंबर टू, एनिमल्स, जानवर। तो भोजन के दो स्रोत हैं, पौधों से और एनिमल से। नंबर वन, फूड फ्रॉम प्लांट्स, भोजन पौधों से भोजन की प्राप्ति। ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पौधे हैं, आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, उन्हें उत्पादक के रूप में जाना जाता है, बिकॉज, क्योंकि, दे प्रिपेयर, वे तैयार करते हैं, देयर ऑन फूड, अपना भोजन स्वयं। दे यूज, वे प्रयोग करते हैं लाइट, सूर्य की रोशनी, एयर, हवा, हवा में से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर, पानी, एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल को, प्रेजेंट इन देयर लीव, जो उनके पत्तों में मौजूद होता है, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, देयर फूड, अपना भोजन, By the process of photosynthesis, photosynthesis के विधि द्वारा। Different plant parts, पौधों के अलग अलग भाग, serve as sources of food, भोजन के source, स्रोत के रूप में काम करते हैं, for us, हमारे लिए। Fruits, फल, vegetables, सब्जियां, cereals, अनाज, and pulses, और दालें, That we eat, जो हम खाते हैं, are obtained, प्राप्त होती हैं, from different parts of a plant, पौधे के विभिन्न भागों से। अब number one, A, roots, जड़ों से। Roots of plants, पौधों की जड़ें, like, जैसे कि carrot, गाजर, radish, मूली, turnip, शलजम, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, एंड बीट रूट, और चुकंदर, आर ईटन, खाए जाते हैं। बी, स्टेम्स, तने। स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ईटन, कुछ खास पौधों के तने भी खाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द स्टेम ऑफ सुगर केन प्लांट, गन्ने के पौधे का तना, इज ईटन, खाया जाता है, एंड इज आल्सो यूज्ड, और प्रयोग भी किया जाता है, टू मेक सुगर, चीनी बनाने के लिए। द स्टेम एंड फ्लावर ऑफ द बनाना प्लांट, केले के पौधे का तना और फूल, इज कुक्ड, पकाया जाता है, एंड ईटन, और खाया जाता है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग हिस्सों में। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स, और कुछ खास पौधों में भूमिगत तने होते हैं, अंडरग्राउंड, जो जमीन के नीचे, भूमिगत।
दैट वी ईट, जो हम खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आर, उदाहरण है पटेटो, आलू, ऑनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन एंड जिंजर और अदरक एक्सेट्रा. सी, लीव्स, पत्ते. लीव्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के पत्ते लाइक जैसे कि स्पिनच, पालक, कैबेज, बंद गोभी, कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना एंड बेसिल और तुलसी आर ईटन, खाए जाते हैं. डी, फ्लावर्स, फूल. फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, कुछ खास पौधों के फूल लाइक कॉलीफ्लावर, जैसे कि फूलगोभी, ब्रोकली एंड बनाना और केले आर आल्सो ईटन, भी खाए जाते हैं. ई, सीड्स, बीज. पल्सेस लाइक मूंग बीन, दालें जैसे कि मूंग की दाल, किडनी बीन, राजमा, चिकपी, काबली चना एंड सीरियल्स और अनाज जैसे कि वीट, गेहूं, मेज, मक्का एंड राइस और चावल, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, आर सीड्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के बीज हैं. एफ, वीट ग्रेन्स आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर आटा. वीट ग्रेन्स, जो गेहूं के बीज हैं, आर ग्राउंड, पीसा जाता है टू मेक फ्लोर, आटा बनाने के लिए. विच इज यूज्ड, जिसे प्रयोग किया जाता है टू मेक चपातीज, चपाती बनाने के लिए. क्यूमिन सीड्स, जीरा, पेपर, काली मिर्च एंड कार्डमम और इलायची, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं एज स्पाइसेस, मसालों के रूप में. आर आल्सो सीड्स, वे भी बीज हैं ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग पौधों के. क्यूमिन सीड्स, जीरा, पेपर, काली मिर्च एंड कार्डमम, इलायची, ये जो मसाले हैं ये भी अलग अलग पौधों के बीज हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां वाले प्लांट्स आल्सो प्रोवाइडर्स, हमें प्रदान करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां. अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से प्राप्त भोजन. एनिमल प्रोडक्ट्स, जानवरों द्वारा उत्पाद लाइक जैसे कि मीट, मांस, एग, अंडा, हनी, शहद, मिल्क, दूध, चीज, पनीर, बटर, मक्खन एंड कर्ड और दही आर ईटन बाय ह्यूमन बीइंग्स, मानवों द्वारा या मानव प्राणियों द्वारा खाए जाते हैं. अब सबसे पहले मीट, मीट ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मांस जैसे बकरी, चिकन, मुर्गा, फिश, मछली एंड प्रॉन्स और झींगा मछली इज कॉमनली ईटन, सामान्य रूप से खाए जाते हैं. मीट में किसका मीट खाया जाता है? बकरी का, मुर्गे का, मछली का और झींगा मछली का. एग, अंडा, हेंज एग इज द मोस्ट कॉमन बर्ड एग ईटन इन द वर्ल्ड. हेंज एग, जो मुर्गी का अंडा है, इज द मोस्ट कॉमन, सबसे सामान्य बर्ड एग, पक्षी का अंडा है, ईटन इन द वर्ल्ड, जो संसार में खाया जाता है. इट इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन, यह प्रोटीन और विटामिन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. सम पीपल, कुछ लोग आल्सो ईट एग्स, अंडे भी खाते हैं ऑफ गूज एंड डक, हंस के और बत्तख के. कुछ लोग हंस और बत्तख के अंडे भी खाते हैं. हनी, शहद. हनी इज ए स्वीट लिक्विड, हनी जो है, शहद जो है, एक बहुत मीठा तरल पेय है, मेड बाई बीज, जो मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है. From the nectar of flowers, फूलों के पराग से. Honey is collected from beehives,
हनी इज कलेक्टेड, शहद को इकट्ठा कर लिया जाता है फ्रॉम बीहाइव्स, मधुमक्खियों के छत्ते से। इट इज यूज्ड इन कुकिंग एंड इट इज यूज्ड इन कुकिंग, इसे भोजन में भी प्रयोग किया जाता है, भोजन पकाने में। एंड आल्सो हैज मेडिसिनल वैल्यू, और इसके औषधीय गुण भी हैं। मिल्क, दूध। मिल्क इज ऑब्टेंड, दूध प्राप्त किया जाता है फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से, लाइक जैसे काओ, बफेलो एंड गॉट, गाय, भैंस और बकरी से। इट इज वेरी न्यूट्रियस फूड आइटम एंड इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इट इज वेरी न्यूट्रिशियस फूड, यह बहुत ही पौष्टिक भोजन है। एंड इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत है। मिल्क आल्सो कंटेन्स कैल्शियम, मिल्क दूध में कैल्शियम भी होता है, विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत पड़ती है फॉर प्रॉपर बोन ग्रोथ, हड्डियों के उचित बढ़ोतरी के लिए, एंड नर्व फंक्शन, और तंत्रिकाओं के कार्य करने के लिए, जो शरीर में नर्व यानी नाड़ी तंत्र है उसके कार्य करने के लिए। प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से बने पदार्थ या उत्पादों को आर नोन कहा जाता है एज डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। सम कॉमन डेयरी प्रोडक्ट्स आर डिस्कस्ड बिलो, कुछ सामान्य डेयरी प्रोडक्टों का नीचे जिक्र किया गया है, कुछ सामान्य डेयरी उत्पादों का नीचे वर्णन है। प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से बने पदार्थ या उत्पाद। पनीर, कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग पनीर, पनीर बनाने का सामान्य तरीका इंक्लूड एडिंग लेमन जूस और विनेगर टू मिल्क, दूध में नींबू का जूस या विनेगर मिलाना है। देन तब द लिक्विड पोर्शन ऑफ मिल्क, दूध का जो पानी वाला भाग है, इज ड्रेन्ड ऑफ, अलग कर दिया जाता है, एंड द सॉलिड पार्ट फॉर्म्स पनीर, और जो वो ठोस भाग है पनीर बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कर्डलिंग, इस प्रोसेस को कर्डलिंग कहते हैं, कर्डलिंग मीन दूध फाड़ना। चीज, ये भी पनीर ही है। चीज इज मेड, चीज बनाया जाता है फ्रॉम कर्डल्ड मिल्क ऑफ काउ, गॉट, शीप और बेफलो, गाय, बकरी, भेड़ और भैंस के फटे हुए दूध से। क्रीम, क्रीम इज मेड, क्रीम बनाई जाती है बाय कलेक्टिंग, इकट्ठा करके, द टॉप फैटी लेयर, ऊपरी वसा वाली परत ऑफ द मिल्क, दूध की। क्रीम को, दूध की ऊपरी वसा वाली परत को इकट्ठा करके बनाया जाता है। बटर, मक्खन, बटर इज मेड, बटर बनाया जाता है बाय चर्निंग फ्रेश क्रीम, ताजी क्रीम को मत कर, चर्निंग मत कर। घी, घी इज मेड, घी बनाया जाता है बाय जेंटली हीटिंग बटर, मक्खन को बड़े कोमलता से गर्म करके, हल्के से गर्म करके, एंड रिमूविंग, और हटाकर द सॉलिड मैटर, उसमें से ठोस पदार्थ को हटाकर। मेकिंग कर्ड, दही बनाना। अब दही कैसे बनती है? कर्ड, दही। कॉमन मेथड्स ऑफ मेकिंग कर्ड, दही बनाने का सामान्य तरीका है इंक्लूड एडिंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ कर्ड, एडिंग मिलाना ए स्मॉल सैंपल ऑफ कर्ड, दही का थोड़ा सा हिस्सा इन वार्म मिल्क, गर्म दूध में। दही बनाने के लिए जो सामान्य मेथड है, तरीका है,
क्या है कि थोड़े से दही को गर्म दूध में मिला दिया जाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड जो दही में उपस्थित होते हैं, कर्ड सैंपल दही के नमूने में होते हैं, टर्न द मिल्क इनटू कर्ड, वो दूध को दही में बदल देते हैं। तो दही कैसे बनेगी, गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाया जाएगा और फिर दही में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं वो दूध को दही बना देते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के प्रकार बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट, उनकी खाने की आदतों के अनुसार, खाने की आदतों के अनुसार जानवरों के अलग अलग प्रकार हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव, डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग जानवर हैव रखते हैं डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, खाने की अलग अलग आदतें। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट, उनकी भोजन की आदतों के आधार पर एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड, जानवरों को बांटा जा सकता है इनटू थ्री ग्रुप, तीन श्रेणियों में, हर्बीवोर्स शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी एंड ओमनीवोर्स सर्वाहारी। नंबर वन हर्बीवोर्स शाकाहारी, हर्बीवोरस एनिमल्स शाकाहारी जानवर और हर्बीवोर्स या शाकाहारी आर दोज, वे हैं दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो केवल पौधों को खाते हैं, एंड प्लांट प्रोडक्ट्स या पौधों के उत्पादों को, काउ डियर हॉर्स जिराफ स्क्विरल एंड बटरफ्लाई आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स, गाय हिरण घोड़ा जिराफ गिलहरी और तितली इन हर्बीवोर्स के उदाहरण हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर्बीवोर्स, शाकाहारियों की कुछ खास विशेषताएं। नंबर वन हर्बीवोर्स शाकाहारी लाइक जैसे कि काउ हॉर्स एंड गॉट, गाय घोड़ा और बकरी हैव वाइड, रखते हैं चौड़े ब्लंट टीथ, ब्लंट टीथ ऐसे दांत जो तेज ना हो, सच टीथ आर सुटेबल, ऐसे दांत उचित होते हैं फॉर पुलिंग प्लांट्स ऑफ द ग्राउंड, फॉर पुलिंग खींचने के लिए प्लांट्स पौधों को ऑफ द ग्राउंड जमीन से, एंड ग्राइंडिंग देम और उन्हें चबाने के लिए। नंबर टू हर्बीवोर्स शाकाहारी लाइक काउ जैसे कि गाय एंड कैमल और ऊंट हैव द एबिलिटी, क्षमता रखते हैं टू ब्रिंग बैक वापिस लाने में प्रीवियसली स्वेलोड पहले से निगले गए फूड भोजन को टू द माउथ मुंह में, फॉर च्यूइंग चबाने के लिए, द सेकेंड टाइम इसे दूसरी बार, दिस हेल्प्स देम यह उनकी मदद करता है टू एब्जॉर्ब अवशोषित करने में मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों को फ्रॉम हार्ड टू डाइजेस्ट फूड पचने में मुश्किल भोजन से, लाइक ग्रास जैसे कि घास, यह उनकी घास जैसे मुश्किल से पचने वाले भोजन से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब अवशोषित करने में मदद करता है। नंबर थ्री स्क्विरल्स गिलहरियां हैव रखती हैं ए पेयर जोड़ा ऑफ ब्रॉड चौड़ा शार्प एज्ड तीखे किनारों वाले फ्रंट टीथ सामने के दांत इन ईच जा प्रत्येक जबड़े में, जो गिलहरियां होती हैं उनके प्रत्येक जबड़े में एक जोड़ी चौड़े और तीखे किनारे वाले सामने के दांत होते हैं। दे यूज दीज टीथ वे इन दांतों को प्रयोग करते हैं टू ना कुतरने में फूड आइटम भोजन के पदार्थों को लाइक नट्स अखरोट जैसे। नंबर फोर
हर्बीवोर्स लाइक बटरफ्लाई, शाकाहारी जैसे कि बटरफ्लाई तितली एंड हमिंग बर्ड, और हमिंग बर्ड डू नॉट नीड टू वरी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होती अबाउट च्यूइंग देयर फूड, अपने भोजन को चबाने के बारे में। दे हैव, वे रखते हैं माउथ पार्ट्स शेप्ड लाइक एस्ट्रा, मुंह का भाग शेप्ड लाइक एस्ट्रा, एक स्ट्रा जैसा यानी एक पाइप जैसा, टू सक, चूसने के लिए नेक्टर पराग को, फ्रॉम फ्लावर्स फूलों से। जो तितली और हमिंग बर्ड जैसे हर्बीवोर्स हैं उन्हें भोजन चबाने की चिंता नहीं होती, उनके पास एक स्ट्रा जैसा माउथ होता है जो फूलों से पराग को सक यानी चूसता है। अब नंबर दो टाइप के एनिमल है कार्निवोर्स, मांसाहारी। कार्निवरस एनिमल्स, मांसाहारी जानवर और कार्निवोर्स या मांसाहारी आर दोज, वे हैं दैट ओनली ईट, जो केवल खाते हैं द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के मांस को। लॉयन शेर, टाइगर बाघ, जैकल गिद्दड़, वल्चर गिद्ध, आउल उल्लू, ईगल बाज, स्नेक सांप एंड स्पाइडर और मकड़ी आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मांसाहारियों के उदाहरण हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्निवोर्स, मांसाहारियों की कुछ खास विशेषताएं। नंबर वन, कार्निवोर्स लाइक लायन, कार्निवोर्स मांसाहारी लाइक जैसे कि लायन एंड टाइगर, शेर और बाघ, हैव रखते हैं शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ, शार्प तीखे और नुकीले सामने के दांत। बाघ और शेर के सामने के दांत जो हैं वो तीखे और नुकीले होते हैं। दे आल्सो हैव शार्प क्लास, दे आल्सो हैव शार्प क्लास, उनके पंजे भी बड़े तीखे होते हैं एंड पावरफुल और शक्तिशाली जॉज, जबड़े, विच हेल्प देम, जो उनकी मदद करते हैं टू टीयर फ्लैश, मांस को फाड़ने में। नंबर टू, कार्निवोर्स बर्ड्स, मांसाहारी पक्षी लाइक ईगल जैसे कि बाज, हैव कर्व्ड रखते हैं कर्व्ड मुड़ी हुई पॉइंटेड बीक और नुकीली चोंच, दैट अलाउ देम, जो उनकी मदद करती है टू टीयर फ्लैश, मांस को फाड़ने में। नंबर थ्री, कार्निवोरस कार्निवोर्स लाइक कैमेलियन, मांसाहारी जैसे कि कैमेलियन, गिरगिट एंड फ्रॉग मेंढक, हैव ए लॉन्ग स्टिकी टंग, एक लंबी और चिपचिपी जीभ रखते हैं, दैट दे यूज, जो कि वे प्रयोग करते हैं टू कैच इंसेक्ट्स, कीटों को पकड़ने में। नंबर फोर, कार्निवोरस फिश, मांसाहारी मछली लाइक शार्क जैसे कि शार्क, हैज सेवरल स्मॉल शार्प टीथ, कई छोटे और तीखे दांत रखती है, दैट हेल्प, जो उनकी मदद करते हैं बाइट ऑफ चंक्स ऑफ फ्लैश, मांस के टुकड़ों को काटने में। चंक्स टुकड़े, बाइट ऑफ काटना। शार्क जैसी मांसाहारी मछलियों के छोटे और तीखे दांत होते हैं जो उनके मांस के टुकड़ों को काटने में मदद करते हैं। नंबर थ्री, ओमनीवोर्स सर्वाहारी, ओमनीवोरस एनिमल्स सर्वाहारी जानवर और ओमनीवोर्स या सर्वाहारी आर दोज, वे हैं दैट ईट, जो खाते हैं बोथ, दोनों को, प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, पौधों को भी और दूसरे जानवरों के मांस को भी। बियर रीछ, रैकून एक अमरीकी जानवर है, क्रो कोवा एंड ह्यूमन बींग्स और मानव आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स, सर्वाहारियों के
उदाहरण हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमनिवोर्स, सर्वाहारियों की कुछ खास विशेषताएं। नंबर वन, ओमनिवोर्स लाइक, ओमनिवोर्स सर्वाहारी लाइक, जैसे कि ए बियर एंड ह्यूमन बीइंग्स, रिच या मानव, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, उनके दांत अलग अलग तरह के होते हैं, दैट हेल्प देम जो उनकी मदद करते हैं, टू ईट खाने में, बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश पौधों को और मांस को, ऑफ अदर एनिमल दूसरे जानवरों के। नंबर टू, ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स बर्ड्स जो मांसा सर्वाहारी पक्षी हैं, लाइक क्रो जैसे कि कोवा, हैव ए शार्प एंड पॉइंटेड बीक, उसकी जो चोंच है तीखी और नुकीली होती है, टू हेल्प देम जो उनकी मदद करती है, ईट ए वैरायटी ऑफ फूड अलग अलग प्रकार के भोजन को खाने में। अब हम स्कैवेंजर्स एंड डीकंपोजर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्कैवेंजर होते हैं जो सफाई करने का काम करते हैं, एंड डीकंपोजर ऐसे जीव हैं जो गले सड़े या मरे पदार्थों को तोड़ते हैं। सबसे पहले है स्कैवेंजर्स। सम बर्ड्स, कुछ पक्षी एंड एनिमल और जानवर, ईट खाते हैं द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों के मांस को, दैट आर ऑलरेडी डेड जो पहले ही मर चुके हैं। वल्चर इज वन सच बर्ड, वल्चर गिद्ध एक ऐसा ही प्राणी है, पक्षी है। दीज एनिमल्स ये जानवर और बर्ड्स और पक्षी आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर कहलाते हैं। डीकंपोजर्स, सम अदर ऑर्गेनिज्म कुछ दूसरे जीव फीड ऑन गुजारा करते हैं, डिस्ट्रॉय और डीकंपोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स नष्ट हुए मृत प्राणियों पौधों और प्राणियों पर, फंगाई एंड बैक्टीरिया, फंगाई और बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल उदाहरण हैं ऑफ सच ऑर्गेनिज्म ऐसे जीवों के। दीज ऑर्गेनिज्म ये जीव आर कॉल्ड डीकंपोजर्स, डीकंपोजर कहलाते हैं। स्कैवेंजर्स एंड डीकंपोजर्स, स्कैवेंजर और डीकंपोजर जो हैं प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इन नेचर प्रकृति में। विदाउट दीज ऑर्गेनिज्म इन जीवों के बिना, विदाउट माने के बिना, आवर प्लेनेट हमारा जो ग्रह है वुड बी कवर्ड ढक जाएगा विद डेड प्लांट्स मृत पौधों से एंड एनिमल्स और जानवर।